शुभ प्रभातम। आज हम यहाँ कक्षा 10वीं की संस्कृत का जो पहला पाठ शिव संकल्प मस्तु यह नाम से है, शिव संकल्प मस्तु नाम से आज हम इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित समस्त प्रश्नों को हल करेंगे। और जो भी यह चार शिव संकल्प मस्तु नाम से दिए हुए हैं, इन्हें इन वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने का प्रयास करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। यह ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसलिए थोड़े कड़े हैं। आप लोगों ने पहली बार मंत्र सुने होंगे, लेकिन फिर भी अपन बहुत सरलता से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो अपने आप अपन को आ जाएंगे। आप लोग पुस्तक रख के बैठें जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड से प्रकाशित है, मध्य प्रदेश बोर्ड के पाठ्यक्रम में है और कक्षा 10वीं की संस्कृत है, उसका पहला पाठ। आप लोगों ने पुस्तक निकाल ली होगी, देखें पहले लिखा हुआ है प्रथम पाठ ऊपर ही, उसके बाद में शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प मस्तु का अर्थ क्या होता है? तो संकल्प अस्तु शिव, शिव मंगलप्रद होता है, मतलब कल्याणकारी। तो हमारा संकल्प कैसा हो? कल्याणकारी हो, मतलब हमारे विचार कैसे हो? कल्याणकारी हो। तो शिव संकल्प मस्तु का अर्थ क्या है? कल्याणकारी विचार, इस प्रकार से। और यह यजुर्वेद से लिया गया है, यहां पर नहीं लिखा है लेकिन यहां देखें यजुर्वेदात मंत्रा प्रदत्ता, मतलब यह जो मंत्र दिए हुए हैं यह यजुर्वेद से लिए गए हैं। और यह मंत्र हैं, यह जो श्लोक के माध्यम से लिखे गए हैं, लेकिन इन्हें मंत्र कहा जाता है। आप लोगों ने सुना नहीं होगा अभी तक कि मंत्र क्या हैं, लेकिन जो भी वेदों में यह लिखे जाते हैं श्लोक या फिर एक लाइन भी लिखी जाती है, वह सारे के सारे मंत्र कहलाते हैं। देखें ऊपर से क्रमशः देखते जाएं, संस्कृत भाषायाम वेदाह आदि ग्रंथाह संति, मतलब संस्कृत भाषा में जो वेद हैं वह आदि ग्रंथ हैं। आदि ग्रंथ क्या होता है? आदि मतलब प्रथम, तो पहले के, मतलब सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। आगे देखें, वेदानाम मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञादि विधिनाम ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषिनाम सर्वभौमिक चिंतनम दृश्यते, मतलब वेदों में, मंत्रों में धर्म, जो वेद मंत्र हैं इनमें धर्म दर्शन कला एवं यज्ञ आदि विधियों का ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों का समस्त क्षेत्रों में व्याप्त चिंतन दिखाई देता है। मतलब जो यह वैदिक मंत्र हैं इनमें ऋषियों के द्वारा लिखे गए सार्वभौमिक चिंतन दिखाई देते हैं, मतलब सभी के लिए अच्छी भावनाएं दिखाई देती हैं। और इसमें यज्ञ आदि का वर्णन है, धर्म का वर्णन है, दर्शन का वर्णन है, कला का वर्णन है, इस प्रकार से। आगे देखें, मंत्राणाम पारायणेन वाक शुद्धि मनसः शुद्धि च भवति, मतलब मंत्राणाम पारायणेन मंत्राणाम मंत्रों का, पारायणेन पारायण करने से, पारायण मतलब होता है पढ़ना, तो मंत्रों को पढ़ने से क्या होता है? वाक शुद्धि वाणी की शुद्धि होती है, मनसः शुद्धि मन की शुद्धि होती है। आगे देखें क्या है, अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात मंत्राः प्रदत्ताः, मतलब मैंने अभी बताया था अस्मिन् पाठे, अस्मिन् मतलब इस पाठे, मतलब पाठ में, मंगलाचरण रूपेण, मंगलाचरण के रूप में, यजुर्वेदात मतलब यजुर्वेद से मंत्राः प्रदत्ताः, मंत्राः मतलब मंत्र और प्रदत्ताः मतलब दिए गए हैं। तो इस पाठ में जो मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं वह यहां पर उपस्थित हुए हैं। आगे देखें, प्राणिनाम मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवति, प्राणिनाम मतलब प्राणियों के, मनः एव, मनः मतलब मन और एव मतलब होता है ही, तो प्राणियों के मन ही ऐसा है जो सर्वेषां कार्याणां संपादकः भवति, मतलब प्राणियों का मन ऐसा है जो समस्त, सर्वेषां मतलब सभी, कार्याणाम मतलब कार्यों का, और संपादक मतलब संपादक होता है, करने वाला होता है, अर्थात प्राणियों के जो मन है वह मन ही सारे कार्यों को करने वाला होता है, मतलब निर्णय लेता है और दिमाग तक कमांड भेजता है। आगे देखें, एतदर्थम मनः शुभम कल्याणप्रदम च भवितु इति कामना मंत्रेषु कृता, एतदर्थम इसलिए, मनः शुभम मन को शुभ करने के लिए या फिर अच्छा करने के लिए,
और कल्याण प्रदम च भवतु, और हमारा मन कैसा हो कल्याण प्रद हो। इति इस प्रकार की कामना मतलब मंगल कामना, मंत्रेषु मंत्रेषु मतलब मंत्रों में, कृता कृता मतलब की गई है, इस प्रकार से मंत्रों में क्या की गई है, मंगल प्रद करने की कामना की गई है। अब जो आगे मंत्र दिए हुए हैं आप लोग क्रमशः पुस्तक में देखते जाएं। अब यहां पर मंत्र प्रारंभ होते हैं, पहला मंत्र, इसको अपन एक एक शब्द से पढ़ेंगे और शब्द के बाद में आप लोग उच्चारण करना, मैं भी उच्चारण करूंगा बिल्कुल आराम से, एक एक शब्द मिलाना। आप लोग देखें जो यहां पर ओम दिया हुआ है यह केवल ईश्वरात्मक ओम है। देखें आप लोग बोलना ध्यान से, ओम यज्जाग्रतो 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 दूर मुदैति दूर मुदैति दूर मुदैति दूर मुदैति दूर मुदैति दैवम दैवम तदु सुप्तस्य तदु सुप्तस्य तथै वैति तथै वैति दूरंगमम 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 ज्योतिषाम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। एक एक शब्द आप लोग देखते जाएं, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक बार अपन पुनः उच्चारण कर लेते हैं, ओम यज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवम तदुषुप्तस्य तथै वैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चलें एक बार थोड़ा और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ओम यज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवम तदुषुप्तस्य तथै वैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से आप लोग यहाँ वीडियो रोक भी सकते हैं, क्योंकि अपना ये ऑनलाइन चल रहा है, तो यहाँ रोक के और आप लोग एक दो बार इसको उच्चारण करने का प्रयास करो, जो जो शब्द नहीं बन रहे हो वीडियो फिर से रिवर्स ले जाएं और पुनः उसे याद करें, मतलब पुनः दोहराएं, तो अपने आप एक दो बार में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। यहां देखें अन्वय दिया हुआ है, तो इस अन्वय के हिसाब से ही अपन अर्थ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अन्वय से अर्थ सीधा समझ में आता है, और आप लोग के पास पुस्तक है तो उस पुस्तक से ही अपन सारे के सारे श्लोकों का पूरा एनालिसिस करेंगे। चलें देखें यहां पर ओम जो कि नमस्कारात्मक है केवल मंगलप्रद ईश्वर के लिए है। यत जागृतः, यत मतलब होता है जो, जागृतः जागृतः मतलब क्या होता है, जागृत अवस्था में, तो जो जागृत अवस्था में क्या करता है, एक एक शब्द देखना आप लोग, दूरम दूरम मतलब दूर तक, दूरम मतलब दूर तक, उदयति उदयति मतलब ले जाता है, जो दूरम मतलब दूर तक, उदयति मतलब ले जाता है, दूरम उदयति, एक एक शब्द आप लोग देखते जाएं, दूरम मतलब दूर तक और उदयति मतलब ले जाता है। दैवम दैवम मतलब होता है आत्मा, दैवम क्या कहलाता है, आत्मा। आप लोग एक एक शब्द देखें, किसी भी शब्द में कोई आपको वो नहीं लगेगा कि कठिन है, क्योंकि एक एक शब्द से अपन करेंगे तो आराम से हो जाएगा कंप्लीट। देखें आगे क्या है, दैवम मतलब आत्मा, फिर तदु तत उहु, तत मतलब होता है वह, और उहु उहु शब्द बिल्कुल यहां पर दोनों जो शब्द हैं यह अलग अलग करके यहां पर बताए हैं, उहु मतलब और होता है, तत मतलब वह, उहु मतलब और। सुप्तस्य, एक एक शब्द आप लोग क्रमशः देखते जाएं, सुप्तस्य मतलब सोते हुए, सुप्तस्य मतलब सोते हुए। तथैव तथैव मतलब होता है वैसे ही, तथैव मतलब, या फिर तथैव मतलब हाँ वैसे ही कर लें। और आगे एति, एति मतलब होता है लौट जाता है या लौट आता है, एति मतलब लौट आता है। एक एक शब्द देखना है आपको, तत उहु यहां पर था,
यहां सुप्तस्य था, सुप्तस्य मतलब सोते हुए या सोते हुए पुरुष का। आगे तथैव एति, तथैव मतलब वैसे ही और एति मतलब लौट आता है। आगे देखें दूरंगमम, दूरंगमम, दूरंगमम मतलब दूर तक, अंगमम ले जाने वाला है, और कैसा है, दूर तक ले जाने वाला है। ज्योतिषाम, ज्योतिषाम क्या कहलाती है, ज्योतिष कहलाती है इंद्रियां, तो ज्योतिषाम मतलब इंद्रियों का। ज्योति ही, ज्योति ही मतलब प्रकाशक, इंद्रियों का और प्रकाशक है, इसलिए क्या करते हैं अपन, तन में मनः, इसलिए तन में, तत मतलब वह और मनः, मे मतलब मेरा, तत यहां पर एक दो शब्द हैं, तत और मे, तो तत मतलब वह, मे मतलब मेरा, मनः मतलब मन। शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु मतलब पता है आपको कल्याणकारी होवे, इसलिए वह मेरा मन कल्याणकारी होवे। इसका पूरा अर्थ देखें एक बार, जो जागते और सोते हुए भी हमारे पास नहीं रहता है, हमेशा दूर रहता है या फिर हमेशा दूर भागता है, और वही ज्योतिषियों का भी ज्योति है, जो ज्योतिषी लोग हैं उनकी वह ज्योति है, वह उनके अंतरंग में रहता है या फिर मनुष्य के अंतरंग में वह हमेशा रहता है या प्रवेश करता है, और कैसा है, इसलिए वह देव स्वरूप वह मन कैसा हो, संकल्प मस्तु मतलब मेरे मन को शिव संकल्पमय हो, या फिर मेरे कल्याणकारी विचार करे, या उस मन के द्वारा मेरे विचार कल्याणकारी हो। इस प्रकार से जो पहला श्लोक था इसका अर्थ करने का अपन ने यहां पर प्रयास किया, बिल्कुल सरल है। एक बार और अर्थ सुन लें कि जो मन है वह आत्मा में रहने वाला है, मनुष्य को दूर तक ले जाने वाला है, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला है या फिर प्रेरित करने वाला है, और अकेला दूर दूर तक भागने वाला है। मनुष्य सोए भी तो भी वह दूर तक भाग सकता है, और जागे भी तो भी दूर तक भाग सकता है, और वह मनुष्य के अंतःकरण में रहता है, और उसी अंतःकरण में वह शांत हो जाता है। इसलिए हे भगवान, हे ईश्वर, वह मेरा मन कल्याणकारी विचार वाला हो। इस प्रकार से यहां पर जो पहला श्लोक था, इस पहले श्लोक को अपन ने पढ़ा। अब देखते हैं यहां दूसरा श्लोक, चलें देखें। ओम ओम येन, ओम येन, क्रमशः यहां पर दूसरा श्लोक देखते जाएं, और आप लोग पुस्तक रखें जिससे कि आपको यहां पर अच्छा दिखाई देगा। देखें येन कर्मान्यपसो, पहले कर्मा लिखा है, फिर आधा ऋणा लिखा है, फिर या है, तो कर्मान्य, कर्मान्य पशु, कर्मान्य पशु, कर्मान्य पशु, मनीषिणो, मनीषिणो, यज्ञ, यज्ञ, कृण्वन्ति, कृण्वन्ति, विदथेषु, विदथेषु, धीराः, विदथेषु धीराः, यत् पूर्वम्, यत् पूर्वम्, यक्षमन्तः, यत् पूर्वम्, यक्षमन्तः, प्रजानां, प्रजानां, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, संकल्पमस्तु। एक बार पुनः आप लोग यहां पर देख लें, मिला लें। ओम येन कर्मान्यपसो मनीषिणो यज्ञें कृण्वन्ति विदथेषु धीराः, यत् पूर्वम् यक्षमन्तम्, यक्षमन्तम् नहीं है यहाँ पर, यक्षमन्तः, यक्षमन्तः, प्रजानां, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चलें फिर से एक बार इसको बोलने का प्रयास करेंगे। येन कर्मान्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः, यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां, यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां, यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां,
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानाम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यत्पूर्वं यक्षमन्तं प्रजानाम् यक्षमन्तः प्रजानाम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बिल्कुल इजी है, सरल है, आप लोग बोलने का प्रयास करें तो एक बार में शब्द आ जाएंगे। चलें देखें, अब यहां से अपन अन्वय से अर्थ निकालते थे, तो पहले एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, फिर अन्वय से जो अर्थ निकलेगा और आपकी पुस्तक में जो अर्थ दिया हुआ है वह आप लोग एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। चलें देखते हैं। ओम नमस्कार, आत्मा को ओम दिया हुआ है। आगे देखें, येन मतलब होता है जिस, या फिर जिस मन के द्वारा। कर्माण्य अपसो, कर्माण्य मतलब होता है कर्म, कर्मणी मतलब कर्म, अपशह मतलब पुरुष, तो कर्माण्य पशु मतलब कर्मवान पुरुष के, और मनीषिणो, एक शब्द देखते जाए, मनीषिणो अर्थात मनीषियों के। आगे देखें शब्द, यज्ञ में कृण्वन्ति मतलब करते हैं। आगे क्या है, विदथेसु, विद धातु जानने के अर्थ में होता है, तो विद यहां पर उपासना अर्थ में देखेंगे, विदथेसु मतलब उपासनाओं में, धीराह धीर पुरुष। एक एक शब्द देखते जाए, कर्माण्य पशु, मनीषिणो और धीराह, तीन लोग हैं ये। यत पूर्वम, यत मतलब जो मन, और अपूर्वम यहां पर संधि विच्छेद होगा, यत अपूर्वम जो मन, अपूर्वम मतलब सर्वप्रथम उत्पन्न या पहले उत्पन्न, अपूर्वम अपूर्वम मतलब पहले उत्पन्न। और यक्षमंतः देखें ध्यान से, यक्षमंतः मतलब यहां पर यज्ञ के लिए बताया है, यज्ञ संपादन में समर्थ या पूज्य, अपनी पुस्तक में देखें यक्षमंतः, यज्ञ कार्य संपादन में समर्थ या पूज्य। और प्रजानाम बिल्कुल सरल शब्द है, प्रजानाम प्रजा को। तो इस प्रकार से तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः तत् मे मनः, तत् मतलब वह, मे मतलब मेरा, मनः मतलब मन, शिव संकल्पमस्तु मतलब कल्याणकारक हो। इस प्रकार से यह जो सामान्य अर्थ एक एक शब्द से देखा, अब अपन अन्वय से अर्थ देखेंगे। तो देखें अन्वय से, येन अपसह धीरह मनीषिणा यज्ञे विदथेसु कर्माणि कृण्वन्ति यत अपूर्वम, अर्थात क्या होगा सामान्य अर्थ, तो जिस मन के द्वारा, येन अपसह, जिस मन के द्वारा, येन अपसह मतलब जो कर्मवान पुरुष, धीराह धीर और मनीषिणः मतलब मनीषी लोग, यज्ञ विदथेसु यज्ञ में उपासना आदि कर्माणि कृण्वन्ति, कर्माणि मतलब कर्म आदि करते हैं और उन कर्म आदि करने में भी यत अपूर्वम जो पहले उत्पन्न हुआ है, जिसकी उत्पत्ति पहले हुए है, जो पहले उत्पन्न हुआ है, या प्राणी मात्र के मन में जो पूज्य है और पहले उत्पन्न होने वाला है, इस प्रकार से। और आगे देखते जाएं, यक्षम मतलब होता है यज्ञ संपादन आदि कार्य में। और प्रजानाम मतलब प्राणी मात्र के लिए समझे, यहां पर प्रजानाम मतलब प्राणी मात्र के लिए। फिर से एक बार देख लें अर्थ, जिसके द्वारा सदा कर्मवान, उसके बाद में धीराह मेधावी और बुद्धिमान लोग, और जो यज्ञ आदि करने वाले हैं वह लोग, और इन यज्ञ आदि करने वाले लोगों के द्वारा, और इनके ज्ञान के द्वारा, और इनकी उपासनाओं में, जो भी कैसा है, पूर्वम है, पहले आने वाला है, या फिर जो भी इस प्रकार से उपासना आदि कर्म करते हैं, जिसके द्वारा कर्म करते हैं, यहां पर मन के लिए कहा गया है, मतलब जिस मन के द्वारा हमेशा कर्मवान, मेधावी और बुद्धिमान लोग, और अग्निहोत्र आदि यज्ञों में और ज्ञान या उपासनाओं में कर्म करते हैं, वो ऐसा मन कैसा है, सर्वप्रथम उत्पन्न प्राणी के हृदय में पूज्य है। सर्वप्रथम यद पूर्वम, सर्वप्रथम यक्षमंतः मतलब यज्ञ आदि उपासना कर्मों में, प्रजानाम सभी के लिए पूज्य है, प्रजा आदि के लिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, उस प्रकार का वह जो मन है, जो यह सारे कार्य संपादित कराने वाला है,
वह मन कैसा हो? तत्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरे लिए हमेशा पूज्य हो। इस प्रकार से अपन को यहां पर यह सामान्य अर्थ लगाना है। फिर से एक बार देख लें कि जिस प्रकार जिसके जो सामान्य अर्थ देखें यहीं से स्टार्ट करें, येन से, तो येन मतलब होता है जिस, जिस मतलब उस कौन, मन की चर्चा यहां पर चल रही है, तो उस मन के द्वारा कौन कौन क्या क्या करता है, कर्मवान, धैर्यवान और विद्वान लोग क्या करते हैं, ज्ञान या उपासना आदि करते हैं या यज्ञ आदि करते हैं। तो यज्ञ आदि किसके द्वारा करते हैं, मन के द्वारा करते हैं, क्योंकि मन नहीं होगा तो फिर अपन कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन के द्वारा ही सारी इंद्रियां कार्य करती हैं, और यदि मन अपने अनुसार कार्य कर रहा है तो इंद्रियां सारी की सारी उसी के कंट्रोल में रहेंगी। तो जो मन सबसे पहले उत्पन्न है और जो यज्ञ संपादन करा रहा है, और उन सब यज्ञ संपादन कराने वालों में भी उस सारी पूज्य प्रजाओं में सबका कल्याण करने वाला है, इस प्रकार से, इसलिए वह मन कैसा हो, वह मन सबका कल्याणकारी हो, क्योंकि जो मन है वह ही सारे कार्य संपादित कराता है। तो यज्ञ संपादन में समर्थ या पूज्य प्रजाओं का जो कल्याण करते हैं, यहां पर मन के लिए सब कुछ कहा है, तो वह जो मन है वह कैसा रहे, हमेशा सभी का कल्याण करे। तन मे मनः शिव संकल्प मस्तु, इसलिए वह मन जो पूज्य प्रजाओं का भी कल्याण करने वाला है, सभी को यज्ञ आदि संपादन कराने वाला है, वह मन कैसा हो, वह मन हमेशा शिव संकल्प मस्तु, कल्याणकारक हो। अब यहाँ पर जो तीसरा मंत्र है वह ओम, आप लोग क्रमशः उच्चारण करते जाएं, ओम यत 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 प्रज्ञान यत प्रज्ञान मुत चेतो धृतिश्च चेतो धृतिश्च यज्ज्योति यज्ज्योति यज्ज्योति, यहाँ पर दो ज हैं, यज्ज्योति रंतर रंतर मृतम यज्ज्योति रंतर मृतम प्रजासु यज्ज्योति रंतर मृतम प्रजासु यज्ज्योति रंतर मृतम प्रजासु। क्रमशः देखना ध्यान से, यत प्रज्ञान मुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतम् प्रजासु। आगे देखें, यस्मान् यस्मान् ऋते यस्मान् ऋते, आप लोग अपनी पुस्तक खोल के बैठें और उसमें देखें कि क्या लिखा हुआ है, यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु शिव संकल्प मस्तु। बिल्कुल सरल है, यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो दोबारा भी आप वीडियो को बैक करके और फिर से इसी प्रकार से एक एक शब्द का उच्चारण पढ़ सकते हैं। अब दोबारा पढ़ेंगे अपन एक बार, यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तर मृतं प्रजासु यज्ज्योतिरन्तर मृतं प्रजासु यस्मान् यस्मान् ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। फिर से एक बार बोलेंगे, यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तर मृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु शिव संकल्पमस्तु। चलें, इस प्रकार से यह पढ़ना आ जाएगा आपको, बिल्कुल सरल है और सरल भाषा में यहाँ पर दिया है। अब यहाँ अन्वय से अर्थ लगाएंगे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्रमशः यत, यहाँ यत प्रज्ञान मुत है, इसका अपन अलग अलग करेंगे, तो यत प्रज्ञान और उत तीन शब्द निकलेंगे, यत प्रज्ञान और उत। यत मतलब जो, प्रज्ञान मतलब होता है विशेष प्रकार का ज्ञान,
या फिर विशेष प्रकार के ज्ञान का साधन, और उत उत मतलब होता है तथा, तो जो विशेष प्रकार का ज्ञान और या तथा, चेतो चेतः मतलब हृदय, या फिर सामान्य विशेष का ज्ञान कराने वाला चेतः, चेतना बोलते ना पंजो, वही सामान्य विशेष का ज्ञान कराने वाली चेतना चेतो। धृतिश्च, धृति क्या होता है, तो धृति कहलाता है धैर्य, धृति मतलब धैर्य। इस प्रकार से एक एक शब्द देखें, और च मतलब होता है और, क्रमशः देखें धृति मतलब धैर्य और च मतलब और। अब फिर से देखें आगे, इसमें भी यत ज्योतिरंतर्मृतम, यहां पर भी पहला शब्द यत है, और आगे देखें फिर ज्योति है, और उसके बाद फिर एक और शब्द निकल रहा है अंतः, अंतः और अमृतम। तो सबका अर्थ देखना है अपन को, यत मतलब जो, ज्योति मतलब प्रकाशित करने वाला है या प्रकाशक है, अंतः मतलब अंदर, और अमृतम मतलब अमर। अब प्रजासु, प्रजासु मतलब जीवों में, यहां पर प्रजासु शब्द पूरे जीवों के लिए आया है वेदों में, जो भी अपन अधिकतर पढ़ेंगे, प्रजासु मतलब सामान्य जीवों के लिए। अब यस्मान ऋते, यस्मान ये मतलब यस्मात ना, यस्मात मतलब जिसके, और ना मतलब नहीं, ऋते मतलब बिना, किंचन, किंचन मतलब होता है थोड़ा सा भी, किंचित वही यहां पर किंचन है, किंचित मतलब थोड़ा सा भी। कर्म क्रियते, कर्म क्रियते, कर्म मतलब कर्म और क्रियते मतलब करते हैं। इस प्रकार से एक एक शब्द देखना आप लोग, क्रियते मतलब किया जाता है कुछ भी, कर समझते हैं अपन। तो तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, तत्मे वही यहां पर भी वही अर्थ है कि तत् मतलब वह, मे मतलब मेरा, मनः मतलब मन, और शिव संकल्प मस्तु मतलब कल्याणकारक हो, या फिर कल्याणकारी संकल्प वाला हो। अब इसका सामान्य अर्थ देखें क्या है, तो यत प्रज्ञान उत चेता धृति ही, मतलब जो विशेष प्रकार का ज्ञान का साधन या सामान्य विशेष का ज्ञान कराने वाला, और कैसा है, धैर्य स्वरूप है, और जीवों के अंदर अमर प्रकाशक है। यहां देखें ध्यान से, अमर यहां अमृत शब्द था, अंतर मतलब अंदर, ज्योति मतलब ज्योति प्रकाशक, तो कैसा है, जीवों के अंदर, प्रजासु मतलब जीवों में अमर ज्योति का प्रकाशक है, मतलब धैर्य स्वरूप भी है और अमर प्रकाशक है, हमेशा प्रकाशवान रहने वाला है। और यस्मान् ऋते किंचित कर्म क्रियते, यस्मान् ऋते मतलब इसके बिना, मतलब जिसके बिना कुछ भी काम नहीं किया जा सकता, या फिर इसके बिना कोई भी काम अपन नहीं कर सकते, मन के बिना, मन ही सबका राजा होता है, मन को समस्त इंद्रियों का राजा कहा जाता है, जैसे नमक होता है वह समस्त रसों का राजा होता है, उसी प्रकार से यह मन भी इंद्रियों का राजा होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को कंट्रोल में कर लिया तो फिर सारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं, तो यहां वही बात बताने का यहां प्रयास किया गया है। तो जिस मन के द्वारा कुछ भी करना संभव नहीं है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, इसलिए वह मेरा मन कैसा हो, सभी का कल्याण कारक हो, इस प्रकार से यहां समझना। अब और आगे नीचे जो शब्दार्थ दिए हैं आप लोग एक एक शब्दार्थ देखें, धृति ही धैर्यवान, प्रजासु जीवों में, अंतः अंदर, अमृतम अमर प्रकाशक, ज्योति अमृतम अमर और ज्योति प्रकाशक, इस प्रकार से सारे शब्दों के अर्थ हैं बिल्कुल सरल हैं, अपन लोगों ने किए हैं अभी। अब देखें जो अगला श्लोक है, अगला श्लोक ना बोल के अपन इसे, आप लोग तो श्लोक ही समझते होंगे लेकिन यह मंत्र है, चले अगला तीसरा मंत्र देखते हैं। तीसरा श्लोक देख चुके थे, अब यहां जो चौथा मंत्र है वह चौथा मंत्र देखेंगे, मंत्र बोलना है, ये मंत्र कहे जाते हैं। देखें, ओम ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत भविष्यत परिग्रहीत ममृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। फिर से एक बार पुनः देख लें, ओम येनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रहीत ममृतेन सर्वम येन
यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से ये तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये तो आप सबको याद हो ही जाना चाहिए। चलो देखें, येनेदं भूतं, फिर से बोले एक बार, येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्, येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीत ममृतेन सर्वम्, परिग्रहीत ममृतेन सर्वम्, येन यज्ञस्तायते सप्त होता, येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ चौथे का। अब यहाँ अर्थ देखते हैं, येनेदम, येन मतलब जिस, इदम मतलब इस प्रकार, एक एक शब्द देखना है। भूतम, भूतम मतलब होता है भूतकाल, भुवनम, भुवनम मतलब होता है वर्तमान काल, और भविष्यत, भविष्यत मतलब होता है भविष्यकाल। फिर अगला शब्द क्या है, परिग्रहित, परिग्रहित मतलब माना जाता है, ममृतेन मतलब अमृतेन, अमृतेन मतलब क्या होता है तो अमर, मन के लिए यहां पर सारे विशेषण हैं, अमृतेन अमर, सर्वम, सर्वम मतलब सभी, येन फिर से है तो येन मतलब जिस, यज्ञस्तायते, यज्ञस मतलब यज्ञ, और तायते, यहां पर संधि विच्छेद होगा तो सा का विसर्ग हो जाएगा, यज्ञ तायते, यज्ञस्तायते, यज्ञ तायते, यज्ञ मतलब यज्ञ, और तायते, क्रमशः एक एक देखते जाएं तो तायते, तायते मतलब होता है किया जाता है, यज्ञस तायते, तायते मतलब संपादित किया जाता है, भी अपन मान सकते हैं, या किया जाता है, यहां होगा देखें तायते शब्द, यह संपादित किया जाता है या किया जाता है तायते। आगे क्या है, सप्त होता, सप्त होता क्या कहलाता है, सात होताओं वाला, सप्त होता मतलब सात होताओं वाला, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इस प्रकार का वह मन कैसा हो, सभी का कल्याण करने वाला हो। तो देखें फिर से पूरा अर्थ देखते हैं इसका, कि जिस मन के द्वारा भूत भविष्यत, एक एक चीज देखें, जिस मन के द्वारा, येन अमृतेन, येन अमृतेन मतलब जिस मन के द्वारा, इदम भूतम, यहां एन और इदम दोनों हैं तो अब इदम लेना है, इदम भूतम, इस प्रकार के भूतम, भूत, भूतम भूत, और भुवनम, भुवनम मतलब अपन ने क्या पढ़ा था, भुवनम मतलब वर्तमान, तो भूत का और वर्तमान काल का, भविष्यत मतलब भविष्यत काल का, क्या किया जाता है, भविष्यत काल संबंधी सर्वम, सभी वस्तुओं का, परिग्रहितम, सभी वस्तुओं का माना जाता है, मतलब भूत भविष्यत और वर्तमान संबंधी सारी वस्तुएं मानी जाती हैं, जिस इस मन के द्वारा, मतलब फिर से एक बार पूरा देख लें, जिस मन के द्वारा भूत भविष्यत और वर्तमान काल की सारी सांसारिक वस्तुएं मानी जाती हैं। कैसे मानी जाती हैं, तो जो अपना मन है आप लोगों ने देखा होगा, वह वर्तमान में भी रहता है और भूत में भी रहता है और भविष्यत में भी रहता है। मतलब कैसे, आप लोग कभी आंख बंद करके देखना, तो आंख बंद करते ही आपको भूतकाल की भी चीजें, वो मतलब आपका मन भूतकाल में भी चला जाएगा। जैसे आप कभी कहीं गए होंगे तो आप लोग आंखें बंद करेंगे तो वहां भी पहुंच जाएगा, मतलब भूतकाल का भी यह क्या करता है, भूतकाल में भी जाता है, मतलब भूतकाल की चीजों में भी यह रहता है, और वर्तमान काल में तो है ही अभी, और भविष्यत काल में भी चला जाता है, मतलब आप यहां बैठे बैठे चांद तक पहुंच जाते हैं, आपका जो मन है वह वहां तक पहुंच जाता है। तो मतलब कैसा है, सारी इस अमर मन के द्वारा कैसा है, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यत काल की सारी वस्तुएं इसके द्वारा मानी जाती हैं, इस मन के द्वारा है, ऐसा यहां पर समझना है। और येन यज्ञस्तायते होता सप्त होता, येन मतलब जिसके द्वारा सात होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है, सात होताओं वाला यज्ञ जो होता है वह इसी मन के द्वारा संपादित किया जाता है, क्योंकि सारी वस्तुएं मन के द्वारा ही, सांसारिक वस्तुएं और जो पारलौकिक या इहलौकिक वस्तुएं जो भी व्यक्ति यहां पर करता है वह मन के द्वारा संपादित होती हैं।
तो जो इस प्रकार का करने वाला है वह मेरा मन कैसा हो, कल्याणकारी विचार वाला हो। चले अब देखते हैं यहाँ पर जो अंतिम पांचवा मंत्र है वह क्रमशः इसका उच्चारण अभी तक जैसे अपन ने किया है वैसे ही उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। देखते हैं ओम यस्मिन नृचः यस्मिन नृचः यस्मिन नृचः साम यजुंसि यजुंषि यजुंषि यस्मिन प्रतिष्ठा प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता रथ नाभा विवारा। एक एक शब्द से ध्यान से देखेंगे ओम यस्मिन नृचः साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठता प्रतिष्ठिता रथ नाभा विवारा नाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तम् यस्मिंश्चित्तम् सर्वमूतम् प्रजानाम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चलें अब एक बार फिर से इसका उच्चारण करेंगे अच्छे ध्यान से और आप लोग फिर से सुने फिर उच्चारण करें इसका। यस्मिन् ओम का उच्चारण भी अपन कर सकते हैं ओम यस्मिन् नृचः साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथ नाभा विवारा प्रतिष्ठिता रथ नाभा विवारा यस्मिन् सुचित्तम् सर्वमूतम् प्रजानाम्। पुनः फिर से इसको एक बार देख लें यस्मिंश्चित्तम् सर्वमूतम् प्रजानाम् यस्मिंश्चित्तम् सर्वमूतम् प्रजानाम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखा अब इसका अर्थ। ओम का अर्थ अपन को क्रमशः ओम में लगाना है नमस्कार आत्मा रूप भी कर दें या फिर ओम एक संयोजक के रूप में भी यहाँ पर दिया हुआ है ईश्वर का प्रतीक। फिर आगे देखते हैं यस्मिन् नृचः यस्मिन् मतलब यहां पर अर्थ में दिया हुआ है आप लोग यहां भी देख सकते हैं यस्मिन् मतलब जिस मन में यस्मिन् मतलब केवल जिस होता है जिस यस्मिन् मतलब जिस और मन अपन ने जो प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से मन ले लिया तो यस्मिन् मतलब जिसमें किसमें मन में नृचः यहां पर यस्मिन् और ऋचः दो शब्द निकलेंगे तो यस्मिन् ऋचः जिसमें ऋचाएं जिसमें क्या है ऋचाएं कैसी हैं साम साम मतलब सामवेद साम मंत्र सामवेद भी अपन समझ सकते हैं साम से और साम मंत्र भी और यजुंसी यजुर्वेद या फिर यजुर्मंत्र यहां लिखा हुआ है देखें यजुर्मंत्र या यजुर्वेद यस्मिन प्रतिष्ठिता जिसमें प्रतिष्ठित हैं किसकी तरह प्रतिष्ठित हैं रथ नाभा विवारा रथ मतलब होता है रथ और नाभा विवारा अरह मतलब होती है तिल्लियां जो साइकिल होती है ना आप लोगों ने देखी होगी साइकिल मोटरसाइकिल उनमें तिल्लियां होती हैं वैसे ही सेम तिल्लियां तो रथ की तिल्लियां रथ नाभौ रथ की नाभि में और अरा अरा मतलब होती है तिल्लियां और इव मतलब इव तो कैसे हैं यस्मिन मतलब जिस मन में नृचः ऋचः ऋचः मतलब ऋग्वेद साम मतलब सामवेद और यजुंसी मतलब यजुर्वेद जिसमें प्रतिष्ठित हैं और कैसे प्रतिष्ठित हैं जिस प्रकार से रथ में तीलियां प्रतिष्ठित होती हैं उस प्रकार से और यस्मिंश्चित्तम सर्वमोदम मोतम प्रजानाम यस्मिन मतलब जिसमें ओतम ओतम मतलब क्या होता है भरा हुआ है या फिर सहित है प्रजानाम मतलब प्राणियों का और चित्तम मतलब ज्ञान मतलब जिसमें सभी प्राणियों का ज्ञान भरा हुआ है ऐसा जो वह मन है वह कैसा हो सभी का कल्याण करने वाला हो उस प्रकार से। फिर से एक बार अर्थ देख लें तो सामान्य रूप से अर्थ समझेंगे जिस मन में ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद तीनों ऋचः से लेना है कौन सा ऋग्वेद साम से सामवेद और यजुंसि से यजुर्वेद तो जिसमें तीनों वेद प्रतिष्ठित हैं किसकी तरह प्रतिष्ठित हैं उदाहरण भी दिया तो रथ की जो रथ में तीलियां होती हैं
उन रथ की नाभि में जो तीलियां हैं उन तीलियों की तरह जो यह तीन वेद प्रतिष्ठित हैं, किसमें? मन में प्रतिष्ठित हैं। और वह मन कैसा है? तो वह मन जीवों के अंतरंग में भरा हुआ है, जीवों के ज्ञान स्वरूप भरा हुआ है, मतलब प्राणियों के ज्ञान से वह भरा हुआ है या फिर हमेशा उसके ज्ञान में विद्यमान रहता है। वह मेरा मन कैसा हो? हमेशा दूसरों का कल्याण करने वाला हो। इस प्रकार से अपन इसका अर्थ समझ सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि बिल्कुल सरल है। अंतिम पंक्ति का अर्थ देख लें, मतलब जिसमें प्राणियों का संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है, यस्मिंस चित्तम सर्व मोदम प्रजानाम, बिल्कुल सरल है। प्रजानाम जीव हर जगह लगाना है, उत्तम मतलब भरा हुआ है, सर्व मतलब सर्व। इस प्रकार से इसका अर्थ यहां पर हो गया। और क्रमशः ये आप लोग शब्दार्थ देखते जाएं तो और बन जाएगा। अभ्यास कार्य में देख लेते हैं, क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल है। आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देख लिया हो तो क्वेश्चन आपको अपने मन से बताना है। चलें, जागृतः मम, हाँ प्रश्न देखें यहाँ क्रम से, मनः जागृतः कुत्र उदयति, तो एक एक अपन लोग क्रमशः देखते जाएंगे। कुत्र उदयति? दूरम उदयति, मतलब जागृत मन कहाँ जाता है? हाँ दूर दूर तक जाता है, मतलब दूरम उदयति। प्रजानाम अंतः स्थितम किम, प्रजा के अंतस्थ में कौन स्थित है? मन स्थित है। प्रजाना मतलब जीव। आगे देख ले, मनसः ऋते किम किंचित ना क्रियते, मतलब मन के बिना थोड़ा कुछ भी नहीं किया जा सकता है, मतलब क्या नहीं किया जा सकता है? कर्म मतलब काम, कोई भी काम नहीं किया जा सकता है इसके बिना। अगले प्रश्न देखें, मे मनः किम अस्तु, तो मे मनः बताएं आप लोग, शिव संकल्पमस्तु या फिर संकल्पमस्तु। आगे देखें तीसरा जो दूसरा क्वेश्चन है, मनसा सप्त होता कह तायते, मतलब मन के द्वारा सात होताओं वाला क्या संपादित किया जाता है? यज्ञ। मनसा सप्त होता यज्ञ तायते। मनसी प्रजानाम किम किम ओतम, मतलब मनसी मतलब प्राणियों के मनसी मन में किम किम ओतम क्या क्या भरा हुआ है? तो हाँ फिर से एक बार प्रश्न देखें, मनसी मतलब मन में, प्रजानाम मतलब प्राणियों के, सर्वम किम किम ओतम सभी जगह क्या 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 भरा हुआ है? तो प्राणियों के मन में, प्राणियों में, एक बार फिर से प्रश्न देखें ध्यान से, मनसी मतलब मन में, प्रजानाम मतलब प्राणियों के, ठीक है प्राणियों के, सर्वम मतलब सभी जगह, किम ओतम क्या भरा हुआ है? तो सीधा सीधा उत्तर है ज्ञानम, ज्ञान भरा हुआ है। मैंने यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट पढ़ लिया था मैंने, यहाँ तो मिस्टेक हो गई। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ दो तो कंप्लीट हो गए, अब यहाँ ये बड़े प्रश्न लिखना है थोड़े से, ये तो सरल थे, इनको अपन को थोड़ा सा बड़ा लिखना है। और आप लोग भी इन प्रश्नों को लिखने का प्रयास करें और वाक्य निर्माण करने का प्रयास करें, क्योंकि आपसे यदि वाक्य निर्माण करते नहीं बनेगा संस्कृत में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, मुझे पता है। बिना वाक्य निर्माण के आपसे ये प्रश्नोत्तर नहीं बनेंगे क्योंकि संस्कृत में उत्तर देने होते हैं। मनसा के यज्ञ विदथेसु कर्म कृणवंती, मतलब प्रश्न देखें ध्यान से, मन के द्वारा कौन अग्निहोत्र आदि यज्ञों में और ज्ञान या उपासनाओं में कार्यों को करते हैं, कौन करते हैं? तो मनसा अपसह मनीषिणा, एक एक मंत्र का ही यहां पर लिखना है, मंत्र आपको याद हो जाएंगे तो अपने आप बन जाएगा। मतलब मन के द्वारा हमेशा कर्मवान मेधावी बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? अग्निहोत्र आदि यज्ञों में और ज्ञान आदि उपासनाओं में कर्मों को करते हैं। इस प्रकार से कहां कहां कर्मों को करते हैं, तो इस प्रकार से अमृतेन किम परिग्रहितम, अमृतेन किम परिग्रहितम, अमर मन के द्वारा क्या गृहित मानी जाती है? क्या गृहित मानी जाती है? तो भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी सारी वस्तुएं गृहित मानी जाती हैं। इस प्रकार से आपको संस्कृत में लिखना है, तो अमृतेन इदम भूतम भुवनम भविष्य सर्वम परिग्रहितम। इस प्रकार से अब यहां खाली स्थान भरना है, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वह करना है। करें, तन में क्या आएगा? शिव संकल्प मस्तु तन में मनः, यस्मान में क्या आएगा? ऋते, और येन यज्ञस्तायते, एक ही बचा है सप्त होता। तो इस प्रकार से आपको यह करना है क्रमशः। तो यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोग और आगे आने वाले वीडियोस से सीधे जुड़ पाएंगे। और हमारे चैनल पर आपको कक्षा दसवीं संबंधी वीडियो मिलेंगे
और उसके बाद में जो भी छठवीं सातवीं आठवीं के मैं वीडियो निकाल पाऊंगा जितना टाइम मिलेगा तो निकालने का प्रयास करूंगा। आप लोग यहां पर सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपके नीचे एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, जैसे ही वह बटन आप प्रेस करेंगे तो वह सफेद हो जाएगा और आप लोग सीधे हमारे वीडियोस से जुड़ पाएंगे, वरना आपको वीडियो खोजने में प्रॉब्लम होगी, समस्या भी हो सकती है मिले ना, जिससे कि ऐसे में डायरेक्ट जो भी मैं वीडियो भेजूंगा वह डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अब अपलोड हो चुका है।